काम कमा रहा है। मेरा सिर्फ ये मशवरा है कि अगर हम अपनी ज़िंदगी को प्योर करना चाहते हैं और कर रहे हैं, और आप नमाजी भी हैं, परहेजगार भी हैं, अच्छा काम भी कर रहे हैं, बहुत अच्छे टीचर भी हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर भी हैं, किसी और सरकारी मुलाजिम के ऐसे ऐसे भी काम कर रहे हैं, तो ये हराम अपनी ज़िंदगी में लाना है। दयानतदारी से काम करेंगे, हुकूमत ने जजा तो नहीं देनी, हुकूमत ने तो आपको सैलरी देनी है, जजा अल्लाह ताला ने देनी है आपको। और हमारी ज़िंदगियों में बहुत ज़्यादा मकसद अल्लाह ताला को खुश करना होता है, तो हुकूमत कंट्रोल कर भी नहीं सकती। अब बहुत ज़्यादा बहस होती है कि सरकारी मुलाजमीन, सरकारी टीचर, सरकारी स्कूलों की तो बुरी हालत है, और आज से 20-30 साल पहले के जो टीचर्स थे वो कमाल के टीचर्स होते थे। यकीनन हुकूमत के बहुत सारे कसूर हैं इसमें, फैसिलिटीज़ पूरी अवेलेबल नहीं है, चीज़ें अवेलेबल नहीं है, टीचर्स की कहीं पे शॉर्टेज होती है, कहीं पे और प्रॉब्लम भी होते हैं, लेकिन जो महदूद वसाइल आपके पास मौजूद हैं उसमें अगर असातिज़ा दयानतदारी के साथ इन बच्चों को पढ़ा दें और अपने नबी को खुश करने के लिए, अपने रब को खुश करने के लिए चीज़ कर दें, तो मेरा ख्याल है हमारे सिस्टम में वैसे ही बेहतरी आ जाएगी।